महंगाई के कारण लोगों के चेहरे से खुशियां गायब हैं। खाद्य मूल्यों से लेकर घर में रोजाना उपयोग होने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ने से हर वर्ग परेशानी में है। हर चीज के भाव आसमान छू रहे हैं। बढ़ी हुई महंगाई ने हर आयु वर्ग के लोगों को मायूस कर दिया है। दीपावली त्योहार खुशी का त्योहार है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण ये फीका ही रहने की संभावना है। बड़वानी जिला मुख्यालय में कमर तोड़ महंगाई से त्योहारों का रंग फीका होता जा रहा है, जिसका अंदाजा दीपावली के इस त्योहार पर बाजारों में घटती खरीदारी से लगाया जा सकता है, जिसको लेकर दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। जहां बाजारों में भीड़ तो दिखाई दे रही, लेकिन खरीदारी बहुत कम है। बढ़ती महंगाई ने बाजार से रौनक खत्म कर दी है। इस त्योहार से पहले बाजार से ग्राहक जहां दीपावली के लिए बहुत ज्यादा सामान खरीदते थे, वहीं आज उनकी खरीदारी सीमित होकर रह गई है। महंगाई के इस दौर में दीपावली का ये त्योहार फीका रहने की संभावना है। एक तरफ त्योहार करीब आ रहे हैं, वहीं लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। गृहिणी संगीता बर्डे ने बताया कि इस दीपावली पर महंगाई आम लोगों की रसोई पर असर डालेगी। दरअसल त्योहार से पहले आटा, चावल, तेल, दूध समेत कई खाद्यान्न के दाम 5 से 10% बढ़ गए हैं, जिसका असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। दूध महंगा होने से इससे बनने वाले उत्पाद भी महंगे हो गए। बढ़ती महंगाई से खासकर गृहिणियां चिंतित हैं। दूध के रेट में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके चलते दही, मक्खन और मट्ठा भी महंगा हो गया है। आने वाले दिनों में मिठाइयां भी महंगी हो सकती। वहीं बात बड़वानी शहर के वार्ड क्रमांक 12 की करें तो पार्षद अब्दुल रहीम तिगाले ने बताया कि आटा और चावल 1 हफ्ते में 10% तक महंगा हो गया। सामान्य चावल के दाम में 4 से 5, जबकि ब्रांडेड चावल का रेट 10 रुपए किलो तक बढ़ गया। साथ ही दालें भी महंगी हो गई हैं। इस 1 हफ्ते के अंदर कुछ दालों की कीमत 2 से 5 रुपए तक बढ़ी है। वहीं तेल और घी पर भी महंगाई का तड़का लगा है। तेल में 5 से 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई का यही है कि पहले काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती थी, और आजकल तो दूध, आटा, चावल हर चीज़ के भाव आसमान पे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, दूध के भाव भी अभी 2 रुपये बढ़ गए हैं आज से। और पहले जहां इन सभी की कीमतों में कमी थी, तो काफ़ी त्यौहार जो है लोगों ने अच्छी हंसी खुशी से मनाते थे, अपने बजट के अनुसार मनाते थे। परंतु जैसे जैसे महंगाई के वजह से इन कीमतों के भाव जो है आसमान छू रहे हैं, वैसे के सामान्य परिवार के जो लोग हैं वो कैसे मनाएंगे। और गरीब परिवार तो मतलब उनकी सोच ही लीजिए कि आप किस प्रकार मना सकते हैं, जब आमदनी का कोई साधन नहीं है। मेहनत मजदूरी करके वो लोग अपना घर चलाते हैं, और ऐसे में जब महंगाई आसमान छुएगी तो लोग किस प्रकार से त्यौहार मना सकेंगे। आप इस बार काफ़ी फीका त्यौहार नज़र आ रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, हर चीज़ के भाव बढ़े हैं। पहले दशहरा पूर्व से पूरे शहर में रंगई पुताई का माहौल दिखता था, अब दशहरा भी बीत गया है और दीपावली अनकरीब सामने है, और रंगई पुताई के जो मजदूर हैं वो भी बेचारे अपनी मजदूरी की बाट जो रहे हैं। उनके द्वारा, लोगों के द्वारा महंगाई को देखते हुए अपने सीमित संसाधनों में त्यौहार मनाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़वानी जनपद की ग्राम पंचायत कसरावत में नव निर्वाचित सरपंच और पंचों को पंचायत सचिव द्वारा चार्ज न दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। नव निर्वाचित सरपंच ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बड़वानी में दरअसल पिछले दिनों हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़वानी जनपद की ग्राम पंचायत कसरावत में जीत कराए नव निर्वाचित सरपंच और पंच अभी तक पदभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। सरपंच और पंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा अभी तक उन्हें चार्ज नहीं दिया जा रहा है। साथ ही पिछले 8 वर्षों का लेखा जोखा मांगने पर आनाकानी की जा रही। कई बार सचिव शपथ के लिए बुलाकर गायब हो जाते हैं और पंचायत को कोई भी कार्य नहीं किया जाता, और बीमारी का बहाना करके मेडिकल पर चले जाते हैं और ना ही फोन उठाते हैं। आम जनता से दुर्व्यवहार किया जाता है। सार्वजनिक शौचालय ताले लगा दिए गए हैं। गांव के ग्रामीण परेशान हैं। चुनाव के बाद अभी तक 50,000 रुपए की चपत लगाई है। 16,340 रुपए कोरोना के समय का मकान का वसूल कर लिया गया था, वो अभी तक पंचायत के खाते में जमा नहीं किया गया। हमेशा सचिव द्वारा हट धर्मिता की जाती है, ऐसे में ग्राम पंचायतों की आगामी योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है, जिसे लेकर नव निर्वाचित सरपंच और पंचों ने सचिव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए और कहा कि यदि उन्हें जल्द ही चार्ज नहीं दिया जाता तो पंच और सरपंच सभी मिलकर पंचायत के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ग्राम पंचायत के सचिव जगदीश धनघर ने बताया कि नव निर्वाचित सरपंच द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, सभी कार्य पारदर्शिता से किया गया। वहीं मेरे कार्यकाल का जो लेखा जोखा था वो मैंने सरपंच को दे दिया, पुराने सचिव के कार्यकाल का लेखा जोखा मेरे पास नहीं है, वो जैसे ही मुझे मिलेंगे मैं वो भी दे दूंगा। और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, TS एस्टीमेट के आधार पर खर्च हुआ है और उनका मूल्यांकन करना अभी बाकी, वास्तविक खर्च अभी क्लियर नहीं हो पाया है। वैसे मैंने जो मेरे कार्यकाल का जो चार्ज था वो सरपंच साहब को मैंने अगस्त से मैं आया
उसके कार्यकाल का था अभी तक का, वो मैंने उनको 5 मई तक का जो लिखा हुआ था केसबुक वहाँ तक का मैंने उनको दे दिया था, और पूर्व का रिकॉर्ड सरपंच साहब मांग रहे थे तो मेरे को पूर्व सचिव द्वारा अभिलेख प्राप्त नहीं हुए थे तो मैं मना कर दिया, भाई अभी तक मेरे को अभिलेख नहीं है तो जैसे मिल जाएंगे वैसे दे दूंगा। तो 30/9/2022 को अभी मुझे पूर्व सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अभी ग्राम पंचायत में रखे हैं। चंदवा शहर के बीच अवैध रूप से पताका संग्रहण कर बिक्री करने वाले 2 दुकानों पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्यवाही की। बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। कार्यवाही से हड़कंप मचा। चंदवा शहर के संत विनोबा मार्ग पर श्याम ट्रेडर्स और बालाजी मोबाइल के संचालकों के द्वारा अवैध रूप से शहर के बीचों बीच पटाखों का संग्रहण कर बिक्री किए जाने की सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने छापामार कार्यवाही करते हुए दुकानों से बड़ी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। शहर थाने के ASI अजीज शेख ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम के तहत संयुक्त टीम के द्वारा संत विनोबा मार्ग स्थित 2 दुकानों पर छापामार कार्यवाही कर पटाखों को जब्त किया है। विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही के बाद शहर हड़कंप मच गया है। अभी चंदवा शहर में विस्फोटक अधिनियम के तहत वो 2 दुकानों पे, एक शाम ट्रेडर्स पे सामने एक दुकान और है उसके उस पर छापामार कार्रवाई की गई है और पटाखे बरामद किए गए हैं। सर पटाखे अवैध रूप से रखे गए? अवैध रूप से रखे थे और संयुक्त टीम नायब तहसीलदार साहब और उनकी संयुक्त टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। विवाद में तीसरे व्यक्ति ने फायदा उठाया। पति से मिलवाने के बहाने सुनसान जगह पर महिला से जबरदस्ती की। जबरदस्ती के बाद किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। बार बार की हरकत के बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। ग्राम पार्टी में पति पत्नी के आपसी विवाद में तीसरे व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाते हुए महिला से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पत्नी से दूर रह रहे पति से मिलाने का झांसा देकर लिंबी के युवक मुरा नरगावे ने पीड़िता पत्नी से कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मैं पति से आपसी विवाद के चलते अलग रह रही थी। लिंबी निवासी मुरा द्वारा पति से मिलाने की बात बोलकर बड़वानी से लेकर आया और सेमली गोई नदी किनारे सुनसान जगह पर दबाव बनाकर गलत काम किया, जिसके बाद ये बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ये बात किसी को बताई तो मुझे और मेरे परिवार को मार देने की धमकी दी। पीड़िता ने डर के कारण ये बात परिवार में किसी को नहीं बताई। इसके बाद कई बार उसने गलत काम किया। बार बार की हरकत से परेशान पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी जागृत आदिवासी दलित संगठन व जैस संगठन का कार्यकर्ता है और जनपद पंचायत सदस्य प्रतिनिधि भी है, जिसकी तलाश की जा रही है। क्या मामला है? थाना पार्टी पर पीड़िता ने अपने परिवारजनों के साथ आकर के रिपोर्ट किया। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 371 धारा 376 506 313 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पीड़िता और उसके पति के बीच में कुछ महीनों से अनबन थी, दोनों अलग अलग रह रहे थे और पीड़िता किसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने उससे दोस्ती करी और उसको कहा कि मैं तेरा वापस तेरे पति से वापस दोस्ती करवा दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा, और इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एक नहीं कई बार किया और पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी तो आरोपी ने उसका गर्भपात भी करवाया गया है।